नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने किया एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। चिनिया से हमारे संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। पांचवीं एवं छठवीं अनुसूची को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। बताते चले कि दिनांक 22/10/2021 को रंका प्रखंड अंतर्गत मिशन हाता विश्रामपुर में लगभग सैकड़ों की संख्या में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने उपस्थित होकर एक दिवसीय सेमिनार का लाभ उठाया एवं सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने कहा कि हमारी समाज अपनी मूल धरोहर को भूलता जा रहा है और अपना हक अधिकार खोता जा रहा है, जिसको हमको बचाने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी ही झारखंड राज्य की पहचान है। जब 15 नवंबर 2020 को बिहार राज्य से हटाकर झारखंड राज्य बनाया गया था, जिसकी एक अलग पहचान दी गई थी, जिसमें झारखंड के दिशम गुरु शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता भी हैं। जेपी मिंज ने यह भी कहा कि जल जंगल जमीन का असली मालिक आदिवासी हैं एवं सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है, इसलिए इस सेमिनार के तहत हम लोगों को एकजुटता बनानी होगी, तभी हम लोग अपना पहचान एवं धरोहर को बचा पाएंगे। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष सुनील किस्पोटा, मनरेगा वाच के प्रांतीय संयोजक जेम्स हेम्ब्रेज, सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश कुमार, आदिवासी फोरम अधिकार आरिफ फिलिक कुजूर, स्वतंत्र पत्रकार लेखक सुनील मिंज, विधायक प्रतिनिधि एवं वन एवं पर्यावरण विभाग संजय छोटू एवं जिला के सभी प्रखंडों से आए आदिवासी महिला एवं पुरुष काफी संख्या में मौजूद थे। परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश मिंज है, मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा घर बड़गढ़ प्रखंड में है। तो सर जी, आज विश्रामपुर पंचायत जो मिशन हता में जो आप सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का सेमिनार मुख्य रूप से पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची पर केंद्रित है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 10 आदिवासी बाहुल राज्य हैं, जहां पर पांचवी अनुसूची लागू है। इसके अलावे भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में, सभी राज्यों में वहाँ पर छठी अनुसूची लागू है। जिन क्षेत्रों में छठी अनुसूची लागू है उसे हम जनजातीय क्षेत्र कहते हैं, और जिन 10 राज्यों में पांचवी अनुसूची लागू है उसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पांचवी और छठी अनुसूची पर सेमिनार इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा झारखंड भी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर 123 जो प्रखंड हैं, उन प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आदिवासियों की बाहुलता है, और जैसा कि पांचवी अनुसूची आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार देता है और वह वित्तीय और उनके विकास संबंधी भी उसमें भी स्वायत्तता का अधिकार देता है, और इस संबंध में और भी कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। इस संबंध में राज्यपाल को इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो संविधान से इतर भी वह आदिवासियों के विकास के लिए नियम कानून बना सकता है। लेकिन हम देखते हैं झारखंड में आदिवासियों की संख्या 26% से अधिक है, फिर भी यहाँ जो भी सरकारें आई हैं अब तक, उन लोगों ने जिस गहराई के साथ आदिवासियों की समस्या पर उनको ध्यान देना चाहिए था, किसी भी सरकार ने आदिवासियों की समस्या पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। पैसा कानून जो कि पांचवी सूची के अनुरूप ही बना है, जैसे सेमिनार के माध्यम से पांचवी है छठवी है ना, जैसे जो आयोजन किया गया है, तो सरकार से भी आप लोगों का कुछ मांग है क्या? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई पेशा कानून जो बना है वो पांचवी सूची के अनुरूप है जी। लेकिन राज्य ने केंद्रीय पेशा कानून के तहत, मैंने जो राज्य का पेशा कानून बनाया है, उसमें उन्होंने पेशा कानून के मूल आत्मा को छोड़ दिया है।
यहाँ पर जो अधिकार आदिवासियों को स्वायत्तता का अधिकार मिलना चाहिए वे अधिकार मिले नहीं। इसकी आवाज़ शुरुआती दौर में उठा था लेकिन उस आवाज़ को भी दबा दिया गया। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पेशा कानून के अनुसार उन क्षेत्रों में जो कि अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर पंचायत का चुनाव नहीं होना है, लेकिन उनको वहाँ पर जो चुनाव होना है वह उनके जो परंपरा है जो रूढ़ी है जो उनके जो शासन करने के तौर तरीके हैं उनके आधार पर चुनाव होना चाहिए, यही पांचवी अनुसूची बताता है, लेकिन इस बात को भी इनकार कर दिया गया है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पांचवी अनुसूची के व्यवस्था के अनुरूप ही आदिवासियों के लिए आदिवासी उप योजना का प्रावधान किया गया है। आदिवासी उप योजना में अरबों रुपये है, अरबों रुपये, क्योंकि जो पैसा बचता है इस फंड का वह वापस नहीं होता है, वह वापस नहीं होता है, तो जो पैसा बच जाता है बचते बचते इतने वर्षों में अरबों रुपये है, लेकिन सरकार क्या करती है इन पैसों को आदिवासी मद में खर्च न करके उसको अन्य मद में खर्च करती है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि इन पैसों को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मद में खर्च किया जाए, उनके विकास के लिए किया जाए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए और भाषा संबंधी विकास में इन सब राशियों को खर्च किया जाना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रंका अनुमंडल में आदिवासी महासभा के द्वारा रंका अनुमंडल को अलग विधानसभा बनाने की बात की जाए। हम यह मांग इसीलिए कर रहे हैं कि रंका अनुमंडल आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसलिए रंका अनुमंडल को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना चाहिए और जो नया विधानसभा बने उसको आदिवासियों के लिए आरक्षित करना चाहिए। हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि अब तक पेशा कानून के आधार पर जो दावा पत्र पेश किए गए हैं अब तक बहुत कम दावा पत्रों का निष्पादन किया गया है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से इस सेमिनार के द्वारा कि इन दावा पत्रों का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है सर जी, धन्यवाद।